स्टूडेंट, दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक। प्लीज़ ओपन चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन में हम मुस्लिम साइंटिस्ट देख रहे थे। आज जो हमने देखना है, हमने आज डॉक्टर समर मुबारक मंद के बारे में देखना है कि डॉक्टर समर मुबारक मंद के बारे में आप लॉन्ग क्वेश्चन नोट करें। डॉक्टर समर मुबारक मंद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो डॉक्टर समर मुबारक मंद 17 सितंबर 1941 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने सेंट एंथोनी हाई स्कूल लाहौर से 1956 में मैट्रिक पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1962 में फिजिक्स में एमएससी का इम्तहान इन्होंने पास किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से 1966 में तजुर्बाती न्यूक्लियर फिजिक्स में एमफिल की इन्होंने डिग्री हासिल की। फिर डॉक्टर समर मुबारक मंद 1962 में पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बतौर साइंटिफिक ऑफिसर इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। 1994 में इन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। फिर 1996 में मेंबर टेक्निकल बन गए। इनकी खसूसी कारकर्दगी की बिना पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनकी सरबराही में न्यूक्लियर साइंसदानों की टीम को चागी रवाना किया, जहां इन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 न्यूक्लियाई टेस्ट किए। तो ये लाइन करें आप एमसीक्यू के लिए कि न्यूक्लियर साइंसदानों की टीम को चागी रवाना किया, जहां इन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। ये 6 न्यूक्लियाई टेस्ट 28 और 23 मई 1998 में नहायत कामयाबी के साथ किए गए। इसके अलावा इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के डीजी के हैसियत से भी शाहीन मेडिकल रेंज में जाए ना सिर्फ डिज़ाइन और तैयार किया, बल्कि इंतहाई कामयाबी से 15 अप्रैल 1999 को इनका तजर्बा भी किया। तो आज आपने इसे अच्छी तरीके से याद करना है और रफ़ कॉपी पर आपने इसको लिख कर देखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।